हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 30 सितंबर 2023। तो अगर आप लोग द हिंदू अखबार पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली एक आर्टिकल छपी थी रिगार्डिंग द पुश फॉर मोर वेमेन दिस टाइम इन द पुलिस। तो मेनली देखें, यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है हमारे देश के, जो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो इसको देखिए आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे, इसके ऊपर बात की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। तो देखिए, आपके GS 1 पेपर के हिसाब से देखिए, या फिर GS 2 पेपर के हिसाब से, या फिर इवन GS 4 पेपर के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली 128 अमेंडमेंट बिल जो एक्चुअली राज्यसभा से भी रिसेंटली पास हुआ था, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने जो है यहाँ एक वीडियो भी बनाया था यहाँ पे। तो ये बिल एक्चुअली, इसमें मेन फोकस किया गया था कि देखिए, जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये 33% होनी चाहिए, इसके ऊपर बात हुई थी, यानी कि 1/3 होनी चाहिए। तो ये देखिए कि इसी के ऊपर बेस करके बोला गया है कि मेनली जो पुलिस फोर्स में भी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन उतना ही बढ़नी चाहिए, इसके ऊपर बात की गई है यहाँ पे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस महिलाओं की पुलिस फोर्स में क्या है। तो देखिए, अलग अलग भारत के स्टेट्स में जो एक्चुअली पॉलिसीज है कि पुलिस फोर्स में 30% या फिर 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस या फिर हायर की सीनियोरिटी लेवल पे, लेकिन उस लेवल की ये जो है पॉलिसी तो होती है, अलग अलग यहाँ पे स्कीम होती है, लेकिन एक्चुअली उतने वैकेंसी जो है फिलअप नहीं हो पाती है महिलाओं के द्वारा। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन अगर हमारे देश के पूरे जितने भी राज्य है उसमें अगर देखा जाए, तो जनवरी 2021 के हिसाब से अगर देखा जाए, ये सिर्फ 10.47% ही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक स्टेटमेंट के हिसाब से जब राज्यसभा में दिया गया था जनवरी 2022 में, तो बोला गया था कि पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है 11.7%, यानी कि देखिए एक साल में लगभग आप मान सकते हैं कि 1% बढ़ी है। तो आप लोग अगर एग्जाम में 11.5% भी लिखेंगे तो काफ़ी है यहाँ पे। तो देखिए, फिर भी 11% या फिर 12% बहुत ज़्यादा कम है महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलग अलग स्टेट्स को बोला है कि जो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट जो है 33% जो है होनी ही चाहिए, और उससे ज़्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, लेकिन मिनिमम 33% होनी ही चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे जो वुमेन रिजर्वेशन इन द पुलिस फोर्स, उसके सपोर्ट में क्या क्या बात होती है यहाँ पे। देखिए, अलग अलग जगहों पे क्रिमिनल लॉज या फिर अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। तो जब भी देखिए कुछ ऐसे महिलाओं एक विक्टिम है, वो जब कुछ FIR भी दर्ज करने आते हैं, तो यहाँ पे जो भी सर्च वारंट या फिर जो भी उनके स्टेटमेंट्स अगर रिकॉर्ड करना होती है, तो एक महिला पुलिस ऑफिसर अगर होती है वहाँ पे, डेफिनेटली एक महिला की जो स्टेटमेंट या फिर उनकी जो क्वेरी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसको अच्छी तरीके से एड्रेस कर पाएगी, उसको फोकस कर पाएगी। एक मेल ऑफिसर उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे जितना एक महिला पुलिस ऑफिसर कर पाएंगी। ये एक बहुत ही एक सिंपल एक रीज़न है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से अगर देखे जाए, 2021 में जो टोटल क्राइम अगेंस्ट वीमेन हुई है ये 10%। तो देखिए, ये 10% जो है ये रजिस्टर्ड क्राइम्स है, और अलग कितने होते रहते हैं इसको रजिस्टर भी नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो महिला पुलिस ऑफिसर अगर होती है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसको काफ़ी हद तक एड्रेस करके कम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पॉक्सो एक्ट, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इसको भी अगर देखिए आगे बढ़ाना है, तो महिला पुलिस फोर्स की डिमांड काफ़ी हद तक देखा जा सकता है यहाँ पे। और मेनली देखें कि अगर महिला भी ऐसा है कि अलग अलग पुलिस ड्यूटीज में अपने कैपेबिलिटी जो है उसको प्रूव करने में काबिल है।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो भारत के गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ली है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलग अलग स्टेट्स को यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया गया है कि काफ़ी हद तक पुलिस रिफॉर्म करने होंगे, यानी कि जो वुमेन पुलिस को रेगुलर पुलिस के साथ मर्ज करनी होगी, और उसके लिए देखिए अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड्स होनी चाहिए कि कुछ कुछ बोर्ड्स यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करेगी कि महिलाओं को यहाँ पे एग्जाम के लिए चुने जाएंगे यहाँ पे, या फिर रिजर्वेशन के थ्रू यहाँ पे जो है एग्जाम के थ्रू जो क्वालिफाइड लेडीज है उनको एम्प्लॉयमेंट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मेन बात हो रही है कि वुमेन पुलिस को रेगुलर पुलिस के साथ ही मर्ज होनी चाहिए। नेक्स्ट कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्पेशल ग्रांट देने की बात की जा रही है ताकि स्टेट्स एक वुमेन डेस्क जो है हर पुलिस स्टेशन में जो है एस्टैब्लिश कर सके, यानी कि देखिए एक महिला अगर विक्टिम है वो अगर अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहती है तो वुमेन डेस्क के थ्रू अगर जाएंगी तो वेरी क्विकली और इफिशियंटली उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अलग अलग काफ़ी स्टेट्स में देखिए 30 से लेकर 33% की वैकेंसी की पोस्ट तो है लेकिन उसको फिलअप नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे मेनली उसको एक पर्टिकुलर तरीके से एक हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्सपीरियंस के लेवल पे उसको फिलअप करनी चाहिए। तो एक चीज़ देखिए हमारे देश के जो 7 शेड्यूल है तो पुलिस फोर्स जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए सेंटर कुछ भी करे यहाँ पे इनिशिएटिव तो स्टेट्स को ही लेने होंगे, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने होंगे। पुलिस रिफॉर्म्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पुलिस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया जाए, जितना ज़्यादा हो सके महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए पुलिस रिफॉर्म में। 33% जो है ये मिनिमम है, एटलीस्ट यहाँ पे 50% यानी कि महिलाओं की भी इक्वल राइट होती है कि अपने देश के पुलिस को सर्व कर सके, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी डायमेंशन किसी भी एंगल से आपको पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको रेडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द पुश फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइस, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।